तो सबसे पहले बात करा नीट रे रिजल्ट री नीट रा रिजल्ट आ गया है और कोटा रा टॉपर सु बात करी आए थे सुनो मतलब घूमने निकल जाओ तो स्ट्रेस रिलीफ हो जाता था। कौन सी रैंक पाई आपने? 86। आपका क्या नाम है? तनिष्क। कौन सी रैंक है तनिष्क आपकी? 190 रैंक है मेरी। लेकिन आमतौर पर जो आज का यूथ है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे रहता है लेकिन अगर यहाँ रहते तो हम यहाँ पे टॉपर पे नहीं रह पाते, ये कैसे किया? जब भी ऐसे मतलब मेरे को ये चीज़ें अट्रैक्ट करती तो फिर मैं ये सोचता कि अगर मैं शायद यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे दोस्त हैं वो इस समय पढ़ रहे होंगे और शायद मेरे साथ नंबर ले हैं, तो मतलब उससे अपने आप ही मन हट जाता था जब मैं ये चीज़ें यूज़ करने लगता था तो फिर इसलिए मतलब मैं इनसे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेश खंडेलवाल है। देवेश, किस तरह का फैमिली एटमोसफेयर है घर पर, किस तरह का मोटिवेशन मिले घर वालों की तरफ से? घर वालों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब कभी मैं डिप्रेस होता था, मैं यहाँ पे पीजी में रहता था तो कभी मम्मी पापा की याद आई या फिर कभी वैसे डिप्रेशन हुआ तो उन्होंने कभी बहुत मोरल सपोर्ट किया। मेरे ताऊ जी थे, उन्होंने भी बहुत मोरल सपोर्ट किया, मतलब हमेशा मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि कभी ज़रूरत हो तो वो जयपुर भी आ जाते थे पर्सनली छुट्टी लेके मेरे लिए, तो बहुत कहीं ना कहीं हमने ये जो क्रैक किया है इस चीज़ को लेकर अगर बातचीत की जाए स्टडी मटेरियल की फार्मूलाज की तो वो किस तरीके से हमने कहाँ से स्टूडेंट क्या वो टीचर की तरफ से थे फैमिली की तरफ से थे कहाँ से था? अब स्टडी मटेरियल तो मैं सबसे पहले था एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड सब कुछ पढ़ना है, याद हो जाना चाहिए और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझें। फिर उसके बाद हमारा कोचिंग का स्टडी मटेरियल सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर होता था एनसीईआरटी के बाद मेरे, और फिर कुछ अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो मैं कोई बुक देख लेता था, अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग देखे मैंने, कोई ऐसे प्रिफर नहीं था कि कोई बुक इसे इस फॉलो करना है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके कुछ किया? स्ट्रेस अगर थोड़ी बहुत कुछ डिप्रेशन में अगर थोड़ा मेरे को लगता था जा रहा हूँ तो फिर पेरेंट्स मेरे वो सब पास में आते थे मेरे बातें करते थे तो डिप्रेशन चला जाता, वरना टीचर्स भी होते थे और टीचर्स तो मेरे टीचर ने तो मेरे को ऐसे गाइडेंस बहुत अच्छी देते थे कि स्ट्रेस बनाने के लिए यहाँ पे क्या करो ये। परिवार की परवरिश के साथ दिया गया मोटिवेशन और गुरुजनों की ओर से दिया गया ज्ञान इस एलन ने आज राजस्थान में क्रैक किया है और इन बच्चों ने राजस्थान में आज एक नया परचम लहराया और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में एक नया कीर्तिमान और एक अलग स्थान बनाकर राजस्थान का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। कैमरा पर्सन पवन के साथ दिव्य गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो नीट रा रिजल्ट आने पाछे तो फर्स्ट इंडिया न्यूज पर ये टॉपर्स को आप सुन रहे थे और इन टॉपर्स ने किस तरह से मोटिवेशन पाकर ये टॉप किया है एग्जाम ये बता रहे थे। खुशी का माहौल है, खुशी का जश्न है और आप देख भी सकते हैं कि तस्वीरें, इतनी पढ़ाई, इतनी कड़ी मेहनत, संघर्ष के बाद अब ये जो बच्चे हैं इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है, टॉपर ये बने हैं। किसी को 190 रैंक हासिल हुई है, रैंक अलग अलग हैं लेकिन ये रैंक ये बताती हैं कि ये बच्चे कितनी कड़ी मेहनत कितने समय से कर रहे थे, सोशल साइट से ये दूर रहे, किसी भी तरह के चीज़ों में ये नहीं पड़े। तो फर्स्ट इंडिया ने टॉपर से बात की और क्या कुछ कहा इन टॉपर ने।